Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Hamid Ali and I'm lecturer at Kingsway Institute, Shergarh. Today, the topic which we will cover is in your microbiology course is vaccines. आज हम वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्सीन्स क्या होते हैं. हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि वैक्सीन होते क्या हैं. उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो क्यों किस तरह डिस्टिंग्विश किए जाते हैं एक दूसरे से. और आखिर में हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन्स की क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या ज़रूरत है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. चलिए शुरू करते हैं. हम पहले वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वैक्सीन्स क्या होते हैं. सो वैक्सीन्स होते हैं अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेस. आपने जिस तरह कोरोना में आया है कि लोग वैक्सीन्स लगाते हैं, तो वैक्सीन्स क्या करते हैं, ये हमें फ्यूचर के डिजीज से बचाते हैं. अगर फ्यूचर में एक डिजीज आती है तो हम पहले लेते हैं. जिस तरह हम पोलियो के लिए वैक्सीन लेते हैं, अगर जो आदमी पोलियो के लिए वैक्सीन नहीं लेगा तो जिस टाइम पोलियो वायरस आएगा तो उसे डिजीज कॉज होगा. तो वैक्सीन हम पहले लेते हैं एक डिजीज से बचाने के लिए. क्यों? जो एंटीबॉडीज बनाते हैं. एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वैक्सीन अगर जिस बंदे को लगाई जाए तो वो स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज बॉडी में बनाएगा. एंटीबॉडीज फिर बाद में क्या करते हैं, वो फ्यूचर में फिर जब भी वो डिजीज आएगी तो उसके थ्रू उसके अगेंस्ट हिफाजत देगा. प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज इट्स प्रोडक्ट्स और एसिटेंटिक सब्स्टिट्यूट विच कैन एक्ट एसिटीजन विदाउट इंड्यूसिंग द डिजीज. तो क्या करता है, जो वैक्सीन होता है ये हमारे पास कभी कभी वही वायरस होता है, या जिस तरह कोई वायरस होता है, जिस तरह कोरोना वायरस में जो वैक्सीन होते हैं वो उसी तरह वायरस होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होता है. तो वो क्या करता है, जब एक डिजीज की शक्ल की तरह होता है, या उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कोई इस तरह सिंथेटिक हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो एंटीजन की तरह काम करते हैं. एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है. एंटीजन उसके अंदर एक एंटीजन होता है, हर एक वायरस बैक्टीरिया का अपना एंटीजन होता है और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं. तो वो एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में अंदर जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फिर बनती है. वैक्सीन्स क्या करते हैं, वैक्सीन्स टिपिकली कंटेन एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स टॉक्सिन्स एंड वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन्स. वैक्सीन्स क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं या कोई जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं उसी की तरह रिजेंबल करते हैं, उसी की शक्ल के होते हैं या उसी का फॉर्म होते हैं, लेकिन कमज़ोर किए जाते हैं, यानी उसको लेबोरेटरी में उसको कमज़ोर किया जाता है. तो वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है और वो फिर फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल होता है. द एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकोगनाइज द एजेंट एंड ट्रीट एंड डिस्ट्रॉय थ्रेट एंड डिस्ट्रॉय इट टू फर्दर रिकोगनाइज एंड डिस्ट्रॉय एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद दैट एजेंट दैट इज इट मे इनकाउंटर इन द फ्यूचर. तो ये वैक्सीन हम जब देते हैं तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं. वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में रहती हैं कि फ्यूचर में जब भी कोई वो डिजीज वापस आएगी तो वैक्सीन वो जो है वो डिजीज के खिलाफ हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है और वो हमें बचाती है कोई डेथ से या हार्मफुल इफेक्ट से. अच्छा, हमारे पास वैक्सीन की टाइप्स क्या हैं, तो वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन सबके बेसिक रोल क्या होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. वो एंटीजन, वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है वायरस का बैक्टीरिया का, वो आता है हमारे ह्यूमन बॉडी में तो एंटीबॉडीज बनाते हैं. सो ईच टाइप इज डिजाइन टू टीच योर इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ जर्म्स एंड सीरियस डिजीज दे कॉज. सो सबका एक ही रोल होता है कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी को के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट करता है. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ दीज फैक्टर्स साइंटिस्ट डिसाइड विच टाइप ऑफ वैक्सीन दे विल मेक. सो वैक्सीन की जो बेसिक कैटेगरीज होती हैं वो उसके वो किस तरह बनती हैं, तो उसकी कैटेगरी पे उसी के बेसिस पे थ्री टाइप्स पे डिवाइड किया है, एक इनएक्टिवेटेड, लाइव एटीन्यूएटेड और टॉक्सॉइड वैक्सीन. तो क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो कि कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया और वो जो फ्यूचर इंसान के लिए हार्मफुल होता है तो उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, यानी वो उसका असर ख़त्म हो जाता है. और लाइव मतलब उसे डेड उसे मार दिया जाता है, मार इनएक्टिवेटिंग मतलब कि उसे मार दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उसका एंटीजन जो है उसको यूज़ किया जाता है कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे. एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, वो वही बैक्टीरिया होता है लेकिन वो फुली मारते नहीं है बल्कि उसे किसी हद तक उसे कमज़ोर किया जाता है, उसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं. और एक होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन. टॉक्सॉइड वैक्सीन जो होते हैं वो जो बैक्टीरिया वायरस का जो टॉक्सिन्स होते हैं
उसमें वो टॉक्सिन होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है वो डेंजरस होता है, तो उस टॉक्सिन को रिमूव किया जाता है और वो ह्यूमन बॉडी में थोड़ा से अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो ह्यूमन बॉडी है वो उसके खिलाफ इम्यून हो जाती है, यानी उसको खिलाफ पावर उसमें आ जाती है कि वो उसके खिलाफ फ्यूचर में लड़ सके। आप पढ़ेंगे एक एक करके इनएक्टिवेटेड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है किल्ड वर्जन ऑफ जर्म, उसे उसी जर्म जो है या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे किल किया जाता है और उसका वैक्सीन बनाई जाती है। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन कुछ वैक्सीन आप देते हैं तो वो कहते हैं कि एक साल तक आपको हिफाजत देगी, कुछ वैक्सीन होते हैं जो 2 साल तक 5 साल तक। तो जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं इसकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब आप देते तो जल्दी जल्दी देते हैं, 6 महीने बाद 3 महीने बाद आपको दोबारा देनी पड़ती है, ताकि क्योंकि वो डेड होते हैं तो उसके जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में वो कम अमाउंट में होती है, तो वो कुछ टाइम के बाद हमें वो ख़त्म हो जाए दोबारा हमें वैक्सीन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास बूस्टर शॉट्स हमें ज़रूरत होती है ताकि दोबारा दोबारा हम दें। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास इनएक्टिवेटेड होती हैं? हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज, ये इसकी जो वैक्सीन होती हैं ये इनएक्टिवेट होती हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जो हो गया, फ्लू वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, रेबीज वायरस, इस वायरस को मार दिया जाता है और उसकी वैक्सीन बनाई जाती है और वो फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है उसको कमज़ोर किया जाता है, यानी उसमें कोई लैब में कोई उस केमिकल डाल जाता है ताकि वो कमज़ोर हो जाए। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो लाइव एटेन्यूएटेड होती हैं? वो मीजल्स, मम्स, रुबेला हो गया, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और येलो फीवर। टॉक्साइड वैक्सीन जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके जो टॉक्सिन होते हैं जो बैक्टीरिया के या जर्म्स के, उसको लिया जाता है और क्या किया, दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट्स ऑफ जर्म दैट कॉज इंसाइड ऑफ जर्म इटसेल्फ, तो उस जर्म का वो पार्ट जो डिजीज कॉज करता है यानी टॉक्सिन होता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके जो है टॉक्साइड वैक्सीन में भी हमारे पास बूस्टर शॉट की जरूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे पास कौन कौन से वैक्सीन टॉक्साइड होते हैं? हमारे पास डिफ्थेरिया हो गया और टेटनस, ये हमारे पास टॉक्साइड वैक्सीन है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीन की? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप वैक्सीन टाइम पे लगाएंगे तो वो जो है जो डिजीज कॉज करता है, जिस तरह पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वैक्सीन टाइम पे लगाएंगे जो जिस टाइम आपको हेपेटाइटिस या पोलियो वायरस आएगा तो उसी टाइम वो उसे न्यूट्रलाइज करेगा और आपको उस डिजीज से बचाएगा। तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं? जिस तरह मीजल्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा होता है, इस तरह अगर आप एक बंदे को वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो फिर दूसरे आदमी को भी वो डिजीज ट्रांसफर करेगा। जिस तरह पोलियो में आप देख सकते हैं, अगर सारे इकट्ठे एक साथ वैक्सीन लगाएंगे तो वो पोलियो वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर 10-15 बंदे नहीं लगाएंगे तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहेंगे क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। तो इस तरह हमारे पास आउटब्रेक जो होते हैं, जो एकदम से जो स्प्रेड हो जाते हैं, जिस तरह कोरोना हो गया, आउटब्रेक हो गया, ऐसा, तो उसके खिलाफ हमें बचाते हैं। तो ये क्या होता है, इफ़ पीपल आरंट वैक्सीनेटेड दे स्प्रेड डिजीज टू अदर, तो दूसरों को फिर वो डिजीज लगाएंगे क्योंकि ना वो खुद बचेंगे, वो खुद नहीं बच सकते, मतलब जो आदमी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाएगा तो उसे ज़रूर कोरोना होगा, जो लगाएगा तो वो कोरोना को स्टॉप करेगा, तो इस तरह उसकी स्प्रेड जो है हमारे पास स्टॉप होगी। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।